नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। गाजियाबाद के विजयनगर के गोशाला अंडर ब्रिज के अंदर भरे बारिश के पानी में नहाने गए दो बच्चों में से एक बच्चा डूबा। स्थानीय लोगों ने की बच्चे की तलाश शुरू। वही सूचना पर पुलिस और नगर निगम की टीम हुई रवाना। लोगों मौके पर जुड़ा हुजूम। भरे पानी की वजह से रेक्यू चलाने में हो रही परेशानी। हर साल बारिश में भर जाता है अंडरपास में पानी। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद। आज गौशाला पे क्या हुआ है अंडर ब्रिज के अंदर? बारिश में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो बच्चे नहाते हैं और उसमें एक बच्चा तो डूब गया, एक बच्चा निकाल ले गया। इससे पहले आपने पुलिस को सूचना दी है इस बारे में? सूचना दी थी मगर उसमें किसी फोन नहीं मिला था। बच्चा कितने साल का होगा? लगभग बच्चा तो करीब 12-13 साल का। बबली कुमार जी, आज यहाँ गौशाला पर क्या हुआ? मौके पर मौजूद थे यहाँ पर? बारिश हो रही थी तेज, बच्चे यहाँ से रोज ही आते हैं जब बारिश हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं भीड़ भाड़ पब्लिक। इसमें दो वाले, एक तो बालक जो इसे बचाने के लिए कुदरा हुए थे पहले से ही, और एक जो उसे खींच रहे थे दूसरा वाले को, वो उसे डर के वो मगर उसको खींच नहीं पाया। मैं इतने में जो रस्सी रस्सी मांगने के लिए गए आगे, तो आदमी डूबता हुआ नीचे ही रह गया। वो लगभग कितने साल का बच्चा हो गया? इतना नहीं देगा, खोपड़ी आदमी लड़का ही है काफी उम्र का। आपने फोटो भी खींचा है? ऊपर का सिर का फोटो आया उसका। तो यानी कि बच्चा एकदम आता नीचे चला गया? हाँ, इतना ही देख पाए थे, इतना हम रस्सी के लिए गए, इतने तो बच्चा दिखाई नहीं दिया। दूसरा आदमी कूदा था वो ऊपर। कितने साल का लगभग बच्चा हो गए? कम से कम काफी उम्र का, 20-22 साल का लड़का था ही। अभी उस बच्चे के कोई माँ बाप का पता लग पाया? ऐसा कुछ नहीं पता है कोई इस बारे में। अभी हम तो दुकानदार आदमी यहाँ।